हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अ वेरी वेलकम बैक टू द चैनल, अ वेरी वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज योर आशीष यादव, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमिक बीस्ट। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर पंजाब। मॉर्निंग हो रही है तो एक मिनट रुक दो। अभी हो रहे हैं सुबह 8:30 के अप्रोक्स। मैं उठ गया था और मैं फ्रेश वगैरह हुआ, रेडी वगैरह हो गया, तो अभी मैं तैयार हूँ। टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं, आधे घंटे में तैयार हो गया। देख लो लड़की कितनी जल्दी तैयार होते हैं, आधे विद इन हाफ एन आवर में सब तैयार हो गया। कैमरा गोप्रो सब चार्ज कर लिया मैंने, और फोन वगैरह जिससे भी शूट करना है सब चीज मैंने चार्ज कर ली। और मैं आज आपको दिखाऊंगा वाघा बॉर्डर और जलियांवाला बाग। दो चीज तो मैंने कंफर्म रखी है ऑन हाई प्रायोरिटी, और बाकी अगर टाइम मिलेगा तो यहाँ की मार्केट और एक दो टेम्पल वगैरह है, कुछ मॉन्यूमेंट है, वो भी दिखाऊंगा जरूर। अगर टाइम मिला तो पक्का दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना 1 घंटे का रास्ता है वाघा बॉर्डर का, तो वहां जाने में मेरे को टाइम लगने वाला है, वहां से आने में भी मेरे को टाइम लगेगा। और वहां सेरेमनी स्टार्ट होती है 5 बजे, और आज रश बहुत ज्यादा होगा क्योंकि सैटरडे संडे है, तो इसलिए मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो अभी चलते हैं हम जलियांवाला बाग, पहले जलियांवाला बाग देख लेते हैं, फिर वहां से वाघा बॉर्डर की तरफ निकलेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। नीचे उतरो तो मैं राइडिंग जैकेट वगैरह सब नहीं लेके जा रहा हूँ, बस ये मेरे होटल के भैया रिसेप्शन वाले। मेरी बाइक अभी फंस गई है, ये खड़ी मेरी बाइक, और पीछे निकालने की जगह नहीं है। अभी निकालने के लिए उन्होंने बंदे बुलाया, वो जो बीच वाली गाड़ी है पीछे वाली, उसको निकालने के लिए बुलाया। पीछे ऊपर फ्लाईओवर है, ये मेरा होटल का नाम है होटल किंग्स वे, और ओयो में इसका शो करता है कैपिटल फीडर। बहुत ज़्यादा गंदी है, बहुत ज़्यादा, पर कोई नहीं। लेट्स गो टू द जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कितना दूर है? आगे पार्किंग भी उधर ही है, इसी रोड पे सीधा। शुक्रिया। बाइक पार्किंग इधर है, बाइक ये पंजाबी में लिखा है, समझ नहीं आ रही। करती है पार्किंग, और कोई मेन मार्केट पूरी अच्छी खासी मार्केट लगी हुई, टी शर्ट वगैरह, शर्ट, जूती, पेप्सी वगैरह। थिएटर, ऊपर थिएटर है,
और ये है पंजाब जलियांवाला बाग। यही है वो कुआं जिसमें वो लोग कूदे थे। पीछे गंदा हो रहा इस जगह की हिस्ट्री देखनी हो ना तो एक मूवी अभी आई है अमेजोन प्राइम पर, प्राइम पर है नेटफ्लिक्स पे मेरे को इस चीज़ का कंफर्म नहीं है। सरदार उधम सिंह, उधम सिंह की वो स्टोरी देखना, उसमें जलियांवाला बाग के बारे में पूरा बताया, अच्छे से सब कुछ दिखाया भी है प्रॉपर, कैसे क्या चीज़ हुआ था उस चीज़ के बारे में सबको दिखा दिया। जलियांवाला बाग जहाँ पर गोलियाँ लगी थी उसके वो आज भी निशान है, वो कुआँ आज भी है और ये पूरा पार्क बना दिया गया है। और गोल्डन टेम्पल तो मैंने रात में विजिट कर लिया था तो अब मैं यहाँ से निकलूँगा वाघा बॉर्डर की तरह, पहले कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा, ब्रेकफास्ट मैंने किया नहीं है तो चलते दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या क्या है। तो मैं यहाँ से लेता हूँ एग्जिट, देख लो यहाँ आओ, विजिट ज़रूर करना, यहाँ की हिस्ट्री देखो, आदमी शौक हो जाता है वो सब चीज़ें सुनने की, ऐसा हुआ था किसी के साथ, कितने लोगों की जान गई थी, वो चीज़ें सुनकर ना आज भी बहुत दुख होता है वो सब चीज़ें देखकर। तो चलो यहाँ से लेते हैं एग्जिट। I do not care about the sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to be dead. यहाँ पर आओगे ना आपको goosebumps आ जाएंगे। यहाँ पर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कुछ लोकल मार्केट, पापड़, कचरियाँ, जूतियाँ, लेडीज़ों के बहुत सामान है यहाँ पर, मतलब एग्जिट लेती ये मार्केट है। ये है मेरा नाश्ता जो मैंने किया ऑर्डर, खट्टा चाय मिक्स पराठा, एक पास्ता और खाते हैं। इतना रश है यहाँ पर। तो अभी चल रहा हूँ मैं जरा होटल, दो मिनट का कुछ काम है, थोड़ा 10 मिनट रेस्ट भी कर लूँगा क्योंकि वाघा बॉर्डर में निकलूँगा यहाँ से 1 बजे, क्योंकि मुझे चाहिए वहाँ पर सीट बहुत बढ़िया वाली। कितने हुए? 1 तो मेरे लेफ्ट में है गोल्डन टेम्पल और जलियांवाला बाग के लिए वहाँ बाइक अलाउड नहीं है, मतलब अंदर बाइक तो ले जाए ऐसे अभी घूमने के लिए, लेकिन वहाँ पर बाइक खड़ी करना और ऐसे इन सब चीज़ों के लिए अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। होए होए, पता देख कितना रश हो गया, कितना ट्रैफिक हो गया यहाँ, कार से तो अनलाइक है ही नहीं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भाई, पार्किंग भी नहीं मिल रही जल्दी से, गलियाँ भी ना एकदम छोटी छोटी सी हैं,
बिल्कुल छोटी छोटी सी गली है एकदम। ऑटो ये देख रहे हो सामने जो ऑटो चल रहा है, मैं इस ऑटो में बहुत बहुत छोटा था ना, तो एक बार स्कूल से वापसी में ऐसे ऑटो में बैठा था, बट ये तो जन्मों पहले हमारे उधर बंद हो गए और यहाँ आज भी चल रहे हैं। अब तो अगर ई रिक्शा का ज़माना है, ई रिक्शा ज़्यादा बेटर है, लोग आराम से उसमें अर्न भी कर रहे हैं। इतनी छोटी छोटी गली में गाड़ी कैसे आएगी बाबा, आ जाएगी मेरे ख्याल में। गाड़ी गाड़ी के लिए शायद मेन रोड है, लेकिन वो मेन रोड भी बहुत छोटा है, सिंगल लेने माना इस तरह से। उस पर इतना ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था उस पर। सो आई एम बैक इन होटल राइट नाउ, और मैं अब यहाँ पर कुछ आधा घंटा एक घंटा रेस्ट करूँगा और फिर यहाँ से मैं निकल रहा हूँ वाघा बॉर्डर की तरफ। वाघा बॉर्डर है यहाँ से 30 किलोमीटर, मैक्सिमम 50 मिनट्स लगेंगे मेरे को वहाँ पहुँचने में, और एक घंटे का टाइम गूगल भी दिखा रहा है। और जैसा भी है जो भी है, मैं आपको ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ तक अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। रोमिक 20, थैंक्स अ लॉट। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं आपको रास्ते में जब हम जाएंगे वाघा बॉर्डर की तरफ। उधर पाकिस्तान है, बट पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान अभी